मतलब क्रिसमस यार बड़ा ही अच्छे तरीके से जापानीज जो लोग हैं क्रिसमस को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी आधे बाइकर्स आगे जा चुके हैं और उधर जो हो रहा है क्रिसमस का फंक्शन हो रहा है, कार्टून जोकर बने हुए वो भी अच्छे से यार वीडियो में क्लिप में देख लिया होगा आपने। और फिलहाल बाकी हमारे बाइकर्स जो हैं आगे जा रहे हैं, मतलब यार काफ़ी रश है भाई साहब, मतलब बड़ा ही मस्त सीन हो रहा है। और उधर कुछ बाइकें भी लगी हुई है, नई बाइक शायद उनका शोकेस है, अभी लॉन्च है आई थिंक, जो भी है। तो वही जाके का दिखाते हैं। ये झलक दिखा देता हूँ यार इनकी, एक बार और देख लेते हैं क्या बात है। इधर सेंटा क्लॉज बने हुए हैं, सेंटा क्लॉज जोकर, ओहो क्या बात है क्या बात है। गिफ्ट हमारा हीरो होंडा वाले भैया, होंडा वाले हीरो वाले नहीं। क्या बात है भाई साहब। ये इनकी ट्रॉली देख लेते हैं, ट्रॉली में क्या सजाया हुआ है इन्होंने। ये इनका सेंटा क्लॉज, ओहो क्या बात है क्या बात है। पूरा व्यू आ रहा होगा अच्छे से। सो ये रहा भाई सेंटा क्लॉज, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार आज ज्वाइन करके इन्होंने। ऑलराइट बॉयज, दिस इज द होंडर्स रिमर्स कैफे मानेसर गुड़गांव। और अंदर का यार मैनेजमेंट इतना बढ़िया किया हुआ है। हाँ क्रिसमस जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम साथ में, तो फिलहाल आज सारे गैदर हुए इधर ना, इधर ये जो है लोग सभी को कैप्स दे रहे हैं और ये रेड कलर का गले में डालने के लिए दे रहे हैं। तो मेरे को तो यार पहले ही मिल चुका है ये रहा, मैंने अभी बियर नहीं किया है, करूँगा। एंट्री होते ही साथ में रिसेप्शन टाइप में टेबल है। और इधर का कुछ सीन ही ऐसा यार, ऊपर से नीचे तक जो पूरी ही मतलब इतनी अच्छी सजावट है, डेकोरेशन है। और सामने जो है कुछ होंडा के लोगो वगैरह लगे हुए हैं, पहले साल ये कैसा था, मतलब ईयर बाय ईयर इसमें ना थोड़ा चेंज हुआ है, जैसी डेवलपमेंट हुई है वैसा चेंज हुआ है। सो फिलहाल ऐसी लुक आ रही है, ये अंदर के कैफ़े के अंदर है ये, नॉर्मली इसमें बाकी लोग नहीं आ सकते। जो होंडा की तरफ से, होंडा जो शोरूम होते हैं सिर्फ वही राइड प्लान करते हो, तो उनकी तरफ से ये है। सो इधर का यार पूरे का सीन देख सकते हो आप, ऐसा है काफ़ी अच्छा। इधर खेलने के लिए कुछ टेम्पा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें दी गई है, और साथ में यार ये फायर ब्लेड खड़ी है ना, बड़ी ही मस्त मशीन है यार, बड़ी ही मस्त। मन करता है एक बार चलाने का, तो ये है CBR फायर ब्लेड 1000 CC। सो भाई इसकी लुक, ये काफ़ी लंबे टाइम से खड़ी यार यहाँ पे, सिर्फ शोकेस के लिए है और कुछ नहीं है, शोकेस के लिए है। इधर कुछ क्रिसमस का सजावट दिया हुआ है, उधर जो है फूड कोर्ट है, इंडियन कॉन्टिनेंशियल और जापानीज सब कुछ है उधर, वेज नॉन वेज सब कुछ मिलेगा आपको। और मतलब ये होंडा डजन ट्रेड देयर इज नो होंडा, तो भाई काफ़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है। और देख सकते हो आप यार धीरे धीरे सभी राइडर्स आ रहे हैं, बड़ा ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है यार अंदर। ये देख लीजिए ये है अंदर का व्यू, अंदर ऐसा व्यू आ रहा है। ये मैप है, मैप पता नहीं आई थिंक क्या है क्या नहीं है यार, वो भी है जितना समझ में आए देख लीजिए। 1959 की ये सुपर स्पोर्ट बाइक थी यार, फिर सुपर स्पोर्ट 1969, 70, 71 और धीरे धीरे, मतलब ये बाइक्स है यार इनके पुराने टाइम्स में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा फेमस थी, CB 754 1977 ईयर में। सो धीरे धीरे अब आके ये स्टेज है ये इनकी ना, 1980 में 250 RS थी, फिर फायर ब्लेड 250 और अब 2022-21 की देख लेते हैं। सो 2020 में CB 350 लॉन्च हुई थी ये, जिससे मैं अभी फ़िलहाल राइड करके आया है, फिर ये 2021 में RS लॉन्च हुई है।
सो वही जैसा हम एंजॉय करते हैं वैसा भी दिखाएंगे आगे का क्या सीन है। तो फोटोग्राफ वगैरह देखो धीरे धीरे यार सब भीड़ हो गई है, भीड़ टेबल तो यार बुक थी वो भी ख़त्म हो गया है और पता नहीं हमें टेबल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं। It's been 1 year since we inaugurated this Dreamers Cafe, and since then it has become a favorite place for our customers to enjoy Honda's legacy. Today, thank you very much once again for joining us today. Enjoy your day and have fun. Dhanyawad, thank you. Thank you, Gata-san, for kind words and always inspiring us. Now I would like to call to dais Mr. P. Raja Gopi, Operating Officer, Premier Motorcycle Business, to kindly come and address the audience. Let's give him a warm cheer. Very good morning to all the riders. Once again, thank you very much for joining us today. And I wish you Happy Christmas and Happy New Year. Safe ride. Thank you very much. गिफ्ट हैम्पर के साथ एंडिंग होते हैं इस व्लॉग की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।